डॉन की बिल्डिंग के सामने खड़े होके पैगाम जो हम दे रहे हैं सबको वो ये कि अखबारात के साथ मुंसलिक होने की कोई तफरीक नहीं है। यहाँ पे तमाम सहाफी इकट्ठे हैं और ओनरशिप स्ट्रक्चर से बाला होकर बात कर रहे हैं। डॉन अखबार जो है वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का प्रोजेक्ट था और है। डॉन अखबार को बंद करने से मुराद ये है कि तहिया किया है आपने कि आपने पाकिस्तान के प्रोजेक्ट को बंद करना, और हम ये किसी तौर नहीं होने देंगे। और आपने तो जंगें लड़नी हैं, आपने तो न्यूक्लियर स्ट्राइक से हमें बचाना है, आपसे अंग्रेजी अल्फाज का वजन नहीं संभाला जाता। तो हम फिर सवाल ये उठाएंगे कि जब बम गिरेंगे तो उसका वजन आप किस तरीके से उठाएंगे। खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करें, जिसका काम है उसी को करने दें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर डींगा बाजेगा, और यही इस वक्त हो रहा है। जो काम आपका नहीं करने का, किसी जमाने में नासिर ज़हीरी साहब ने तारीख बयान की, बड़े साहब कहा करते थे कि अखबार बंद कर दो, जर्नैल साहब कहा करते थे। अब हालत ये आ गई है कि रिटायर्ड कर्नल है जो बैठ के आपको इंस्ट्रक्शन जारी करता है और आपका टिकर कंट्रोल करता है, और तमाम टीवी चैनल्स बशमूल मेरे टीवी चैनल के वो टिकर जूं के तू कॉमा चेंज किए बगैर चलाते हैं। इससे बड़ी स्ट्रक्चरल सेंसरशिप हमने आज तक नहीं देखी। ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है, और इस तरह तो 60 की दहाई में भी नहीं हुआ था, 80 में भी नहीं हुआ था, मुशर्रफ के दौर में भी नहीं हुआ था। और हमने कभी सोचा नहीं था कि हम अपनी जुबान जलाएंगे और कहेंगे कि मुशर्रफ का दौर सेंसरशिप के एतबार से हल्का था। लेकिन हमें कहना पड़ेगा कि सेंसरशिप के एतबार से मुशर्रफ का दौर बहुत हल्का था, क्योंकि हमें पता था कि वह सामने आके सेंसर कर रहा है। आप बंकर्स में बैठे हैं, आपने लंबी लंबी फाइनेंशियल बंदूकें अपने हाथ में रखी हुई हैं, और आप छुप कर वार कर रहे हैं। अगर आपको सेंसरशिप का शौक है, बसात एहतराम, सामने आके सेंसरशिप कीजिए, मुकाबला तो कीजिए मैदान के अंदर खड़े होके। आपने ओनर्स को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है, और हमारे अंदर के भट्ट साहब, ये सोचने की बात, हम पहले भी इसके ऊपर बात करें, जो घुस बैठी हैं, जो उनको रिपोर्ट करते हैं। अभी भी यहाँ पर मैं देख रहा था, नूरानी ने एक पिक्चर भेजी हुई है, हमारा एक ट्विटर चेक अकाउंट, नूरानी किधर गए, और उसके ऊपर उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने लिखा हुआ है कि बड़ी जबरदस्त जगजहती है जी, यहाँ पे दो कैमरे हैं, एक फॉरेन प्रेस का है और एक डॉन का अपना है। तो ये मीडिया के अंदर के जो गद्दार हैं, जिनको समझ नहीं आती कि हालात क्या रुख इख्तियार करने वाले हैं, उनसे भी इस्तेदा है कि मामला डॉन का नहीं है, ये मामला आज़ादियों का है जो हमने बड़ी मुश्किल से संभाल के रखी हुई हैं। और जैसे हम पीपल्स पार्टी वाले को बसर एहतराम फजलुल्लाह बाबर साहब से कहा करते थे कि मामला नवाज शरीफ का नहीं है, ये पानी ने घूमना है और आपकी तरफ भी आना है। तो अब आपकी तरफ आया, तो आपका कल का बयान कितने चैनल्स ने चलाया? किसी ने नहीं चलाया आपका कल का बयान, और कोई नहीं चलाएगा। ये सेंसरशिप जो है वबा है, अगर आप इस वबा से बचना चाहते हैं तो आपको उसको लड़ना होगा। तो तमाम दोस्तों का दोबारा से शुक्रिया, हम डॉन के साथ खड़े हुए हैं। डॉन की जितनी बड़ी स्टोरीज हैं, जो हमारे ट्विटर अकाउंट की इस्तेदात है, वो हम ट्वीट करेंगे, हम सोशल मीडिया के जरिए उसको फैलाएंगे, लेकिन ये कदगन कथित तौर पर बर्दाश्त नहीं। थैंक यू वेरी मच।